हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इम्पोर्टेंट अपडेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। आज है 25 जून, और 25 जून अगर आपको याद होगा तो 25 जून आपका लास्ट डेट है एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप का। तो जल्दी से जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर लो। आप चाहे बी कॉम में हो, एम कॉम में हो, या फिर किसी और कोर्स में हो, आपको जल्दी से जाकर के अपना फॉर्म फिलअप करना है, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आज लास्ट डेट है। आज के बाद 26 तारीख से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो 1100 रुपए का आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो कोशिश करो आज ही के दिन फॉर्म फिलअप कर लेने का। लेकिन स्टार मार्क के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये फ्री वाला जो विदाउट लेट फी वाला जो डेट है, जो 25 जून को एंड हो रहा है, इसको और एक्सटेंड किया जाए। ऐसा अंदेशा है? ऐसा अंदेशा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का होके रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अभी तक अवेलेबल हुए ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे कि आप जाकर के उसका फॉर्म फिलअप कर पाओ। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको और किया जाएगा, डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। बट स्टिल अगर आपके कोर्सेज में वैसा कोई इशू नहीं है, अगर आपके कोर्सेज को वहां पे शो कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो तुरंत जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर लो। क्योंकि फॉर्म फिलअप अगर आप नहीं करोगे, मिस हो जाता है, तो पहला तो आपको लेट फी पे करना पड़ेगा, जो कि 1100 रुपए का है। और ये बहुत ज्यादा लेट फी है, बहुत ही ज्यादा लेट फी है। जो कोर्स फी आपका है उससे ज्यादा या उसके बराबर आपको लेट फी पे करना पड़ेगा, तो वो तो बेवकूफी होगी मेरे ख्याल से। 25 जून लास्ट डेट है, फटाफट जाकर के आप अपना कर लो ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। किस तरीके से करना है मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ आपने आना, ये सारा चीजें उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, आगे की ओर जाना है। यहाँ पे देखो एक और बात बताई गई है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं भूल गया था, मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे अभी फॉर्म फिलअप करेंगे, सपोज उनका कोई रिजल्ट है जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो अभी तक आया नहीं है, तो इग्नू की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर अभी तक आया नहीं है और आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है अगले सेशन का, अगले सेमेस्टर का या अगले साल का, तो जल्दी से जाकर के फॉर्म फिलअप कर लो। और जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसका भी फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, आप जो पैसे पेमेंट अभी कर दोगे, सपोज आप पास कर जाते हो उस पेपर में, तो आपको वो पैसे जो है एडजस्ट कर दिए जाएंगे अगला वाला जब एग्जाम होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो आंसर, जो प्रीवियस सेशन का जो रिजल्ट अभी आना बाकी है, अगर आपका किसी पेपर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उस पेपर के लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट अवेटेड है। पर अगर आप उस पेपर में पास कर जाते हो तो फी को जो है नेक्स्ट वाले एग्जाम में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है जो कि इग्नू आपको प्रोवाइड कर रही है। मैं इसको जरा सा फिर से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो एग्जामिनेशन है, आर एडवाइज टू सबमिट द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर फ्रेश एज वेल एज कोर्सेज फॉर विच द रिजल्ट इज अवेटेड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। जो रिजल्ट अवेटेड है उसका भी आपको करना होगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, अगर आप पास कर जाते हो तो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, और अगर नहीं पास कर पाते हो तो आप एग्जाम दे देना, है ना, सिंपल सी बात है। और इन केस अगर आप पास कर जाते हो, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन देयर फी विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022। हालांकि ये नियम उनके लिए लागू नहीं होता जिनकी मैक्सिमम वैलिडिटी पूरी हो गई है। जैसे एमकॉम के कोर्स में 5 साल तक का टाइम दिया जाता है कोर्स को कंप्लीट करने का, तो सपोज आपका 5 साल ऑलरेडी ऑलरेडी पूरा हो गया है और आप ये बेनिफिट उस चीज में लेना चाह रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस में अगर बताऊं तो बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप अपना कोड आपको मेंशन करोगे, एमकॉम से हो तो एमकॉम मेंशन करोगे, यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे जो भी है, डालने के बाद यहाँ पे आप अपना रीजन चेक करोगे जो भी आपका है, और फिर सबमिट कर दोगे। फिर एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपको कौन कौन सा पेपर देना है, आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर वगैरह सब आपसे पूछा जाएगा, किस जगह पे आपको एग्जाम देना है, सेंटर कोड वो भी आपको डालना होगा, वो सारा डाल के आपको सबमिट करना है और पेमेंट कर देना है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन अप्लाई, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।